देखो इसको एक बार, कितना खूबसूरत है यार। OMG गाइस, मेरा खुद का बनाया हुआ सोप। हेलो स्वैगर्स एंड वेलकम टू लेट्स ट्राई आउट। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल एंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग DIY वीडियो लेके आई हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं बनाऊंगी होममेड सोप, यानी कि साबुन। ऐसा एक सोप जो कि 100% नेचुरल है, एकदम पैराबेन एंड क्रुएल्टी फ्री है। तो ये जो सोप है गाइस, इसको बनाने के लिए मैं ऐसा कोई इक्विपमेंट यूज नहीं करूंगी जो कि आपको बाहर से खरीदना पड़े। मैं लाइक किचन में अवेलेबल जितने भी बर्तन या यूटेंसिल्स है उन्हीं को यूज करके इसको बनाऊंगी, तो आपके लिए इजी रहेगा इसको घर पे बनाना। एंड साथ ही साथ गाइस, जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज करने वाली हूँ इस सोप को बनाने के लिए, वो बहुत ही ज्यादा नेचुरल है, लाइक 100% नेचुरल है एंड बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल है। तो आपको लाइक कोई परेशानी नहीं होगी इंग्रेडिएंट्स ढूंढने में। एंड गाइस, ये जो सोप है इसको बनाना बहुत ज्यादा इजी है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आप बहुत इजीली इसको घर पे बना सकते हो। एंड साथ ही साथ इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं आपके स्किन के लिए, बहुत सारे बेनिफिट्स लाइक आपको देगा। तो क्या क्या वो बेनिफिट्स हैं, क्या क्या आपके स्किन को बेनिफिट्स मिलेंगे इस सोप से, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आई नो कि आप भी मेरी तरह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो ये जानने के लिए कि ये DIY सोप कैसे बनाया जा सकता है। तो और ज्यादा चपड़ ना करके लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमें लगेगा, दैट इज अ पोटैटो। तो मैंने दो पोटैटो इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास दो छोटे साइज के पोटैटोज हैं। अगर आपके पास बड़े साइज का पोटैटो अवेलेबल हो तो आप एक भी ले सकते हो। तो अभी मैं एक पीलर की मदद से इस पोटैटो को अच्छे से पील कर लूंगी। जब आप इसको पील करो तो मेक श्योर कि इसमें थोड़ा सा भी छिलका ना रहे। तो पहला जो पोटैटो था उसको मैंने पील कर लिया है, अब दूसरे वाले की बारी है। एंड अभी मैं इस दूसरे पोटैटो को भी पील कर लूंगी एंड टडा, हो गया पील। तो अभी मैंने एक बोल ले लिया है मीडियम साइज का, जो कि मैंने सामने रखा है, आप देख सकते हो। एंड गाइज, इसके अलावा मुझे लगेगा एक श्रेडर, तो मैंने ये छोटा सा स्टील का श्रेडर लिया है। एंड अभी मैं पोटैटोज को अच्छे से ग्रेट कर लूंगी। जब आप इन पोटैटोज को ग्रेट करें तो ध्यान रखिए कि बहुत ही फाइनली इसको ग्रेट करें। तो गाइज, आप देख ही सकते हो कि दोनों पोटैटोज को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब मैं लूंगी एक छोटा बोल, जो कि आप देख सकते हो मैंने साइड में रखा है। तो अब मैं लूंगी स्टील का एक छन्नी एंड स्टील का एक चम्मच। तो इस छन्नी के मदद से ये जो ग्रेटेड पोटैटो है इसका सारा जूस निकाल के मैं इस छोटे बोल में डालूंगी। तो चलो फटाफट इस ग्रेटेड पोटैटो का जूस निकालते हैं। तो गाइज, ध्यान रखिए कि एक बार में आप ज्यादा ग्रेटेड पोटैटो ना उठाए छन्नी में, थोड़ा थोड़ा करके ले। तो अब हमें चम्मच की मदद से कुछ इस तरह से प्रेशर देना है ताकि पूरा जो जूस है पोटैटो का वो नीचे बोल में गिर जाए। सो गाइज, आप देख ही सकते हो कि मैं कैसे धीरे धीरे प्रेशर डाल रही हूँ स्पून से, एंड जो पूरा जूस है इस ग्रेटेड पोटैटो का वो छोटे बोल में ट्रांसफर हो जा रहा है। तो गाइज, आप देख ही सकते हो कि मैंने दोनों पोटैटोज का जूस निकाल लिया है एंड मुझे लगभग 3 टेबलस्पून पोटैटो जूस मिला है। तो अब इस पोटैटो जूस में मैं ऐड करूंगी एलोवेरा जेल। तो ये जो एलोवेरा जेल है ये मैंने अपने यहाँ लोकल मार्केट से ही लिया है, तो आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो, मेक श्योर कि वो ऑर्गेनिक या नेचुरल हो। तो ये रहा मेरा ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल एंड मैं ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि मैं टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ, तो मैं बस आधा चम्मच ले रही हूँ। अगर आप टीस्पून यूज़ करो तो मेक श्योर कि आप पूरा एक चम्मच ले। एंड गाइस, नेक्स्ट मैं डालूंगी रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। तो कच्चा दूध हमें ज़्यादा नहीं लेना है, बस एक ही चम्मच काफ़ी होगा। तो अब मैं इसमें डालूंगी लैवेंडर एसेंशियल ऑयल। ये जो एसेंशियल ऑयल है इसके वजह से इस सोप में एक बहुत ही खूबसूरत स्मेल आएगा। तो ये जो एसेंशियल ऑयल है ये मैंने अमेज़न से परचेस किया है, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो गाइज, ये जो ऑयल है इसको हमें ज़्यादा नहीं लेना है, बस 4 to 5 drops काफ़ी होगा। तो अब हमें इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है।
तो जब आप इसको मिक्स करो, बहुत ही ध्यान से मिक्स करना ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से घुल मिल जाए। सो गाइज, अब मैंने लिया है एक ग्लिसरीन सोप बेस। तो ये बेस मैंने अमेजोन से ही परचेज किया है एंड इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड गाइज, ये जो सोप बेस है ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। तो अब मैं चाकू की मदद से इस ग्लिसरीन सोप बेस के कुछ पीसेस कट करूंगी। तो गाइज, आप देख ही सकते हो जैसे हम लोग पनीर काटते हैं ना, वैसे ही मैं छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर रही हूँ। तो आप देख ही सकते हो गाइस कि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, मैंने बस दो ही स्लाइसेस कट किए हैं एंड उन बड़े स्लाइसेस को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो गाइस, आप देख ही सकते हो मैंने जितने भी पीसेस काटे थे सोप बेस के, उसको मैंने स्टील के इस बोल में डाल दिया है एंड जो नेक्स्ट प्रोसीजर है उसको करने के लिए हमें किचन में जाना होगा। सो लेट्स गो। तो गाइस, आप देख ही सकते हो कि मैंने कढ़ाई में पानी भर के उसको गैस पे चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए। तो जब तक पानी बॉईल होना स्टार्ट ना करे तब तक हमको वेट करना है। तो गाइस, पानी बॉईल होना जैसे ही स्टार्ट हुआ, अब मैं इसमें डाल दूंगी वो बोल जिसमें मैंने सोप बेस काट के रखा था। तो एक्चुअली हमें डबल बॉयलर प्रोसेस में उस सोप बेस को पिघलाना है। तो गाइस, आप देख ही सकते हो मैं कैसे डबल बॉयलर प्रोसेस यूज करके इस सोप बेस को मेल्ट कर रही हूँ। एंड गाइस, जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट करे इसको स्पून की मदद से अच्छे से स्टेयर करना है। गाइस, मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से स्टेयर करते रहे स्पून से ताकि जितने भी लाइक सोप बेस के टुकड़े हैं वो अच्छे से पिघल जाए। तो गाइस, आप देख ही सकते हो कि जो सोप बेस है वो पूरी तरह मेल्ट हो चुका है, एकदम लाइक लिक्विडी हो चुका है। तो अब मैं इसमें वो मिक्सचर डाल दूंगी जो मैंने बना के रखा था, पोटैटो जूस और बाकी इंग्रेडिएंट्स का। एंड अब मैं इसको बहुत अच्छे से लाइक स्टेयर करके मिक्स करूंगी। सो गाइस, बहुत केयरफुली मिक्स करना है हमें ताकि ये बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर बने। तो फाइनली गाइस, मेरा जो सूप का बैटर है वो रेडी हो चुका है। सो गाइस, मेरे इस सोप को शेप देने के लिए मैंने एक मोल्ड खरीदा है। ये जो मोल्ड आप देख रहे हो इसको भी मैंने अमेजोन से ही परचेस किया है एंड इसका भी परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड गाइस, इस मोल्ड के जो डिजाइंस है ना, ये मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया है, स्पेशली ये हार्ट शेप वाला एंड ये बटरफ्लाई वाला। सो गाइस, ध्यान रखना कि जो सोप का बैटर है उसको गर्म रहते रहते ही हमें मोल्ड में डाल देना है। तो अभी मैं बहुत ही ध्यान से इस गरम गरम सोप बैटर को इस मोल्ड में डाल दूंगी। तो गाइस, जो सोप बैटर है उसको मैंने मोल्ड में डाल दिया है एंड अब हमें इस मोल्ड को रखना है फ्रीजर में। तो इसको फ्रीजर में ज्यादा देर के लिए रखने की जरूरत नहीं है, बस एक ही घंटा काफी होगा। सो अब मैं इस मोल्ड को एक घंटे के लिए फ्रीजर में डाल दूंगी। तो गाइस, एक घंटा हो चुका है एंड मेरा जो सोप है वो बन चुका है। तो आप देख ही सकते हो गाइस कि मेरा सोप एकदम रेडी है। अभी मैं बहुत ही ध्यान से इसको मोल्ड से निकालूंगी एंड गाइस, हियर कम्स माय फर्स्ट सोप। वाओ गाइस, जस्ट देखो इसको एक बार, कितना खूबसूरत है यार। मैंने सच में नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतना ज्यादा सुंदर दिखेगा। एंड नेक्स्ट मैं ये हार्ट शेप वाला सोप निकालूंगी। वाओ गाइस, ये भी बहुत ही ज्यादा क्यूट है यार, जरा देखो इसको कितना क्यूट है। एंड नेक्स्ट मैं निकालूंगी वो बटरफ्लाई डिजाइन वाला सोप। OMG गाइस, इसको देखो एक बार, ये कितना ज्यादा खूबसूरत है यार। ये मतलब सबसे बेस्ट है, मतलब मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगा ये तो। गाइस, मेरा खुद का बनाया हुआ सोप। कैन यू इमेजिन, ये सोप मैंने बनाया है।
सो गाइज, आप लोग ने देखा कि सूप को बनाना बहुत ज्यादा इजी है, कोई भी लाइक रॉकेट साइंस नहीं है, आप घर पे कभी भी बना सकते हो। एंड सच बताऊं तो जिन लोगों को लाइक डीआईवाई चीजें पसंद है, खुद से बनाना अच्छा लगता है, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा एक वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा। एंड इस सूप के काफी सारे बेनिफिट्स है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पोटेटो जूस है, तो पोटेटो से आपके जो एक्ने मार्क्स एंड डार्क स्पॉट्स है वो रिमूव हो जाएंगे। एंड साथ ही साथ पोटेटो जूस हमारे स्किन को लाइक जो सन बर्न होता है ना, टैन होता है, उसको भी हमारे स्किन से रिमूव करता है। एंड गाइज, इसमें एलोवेरा जेल भी है जो कि इन्फ्लेमेशन या फिर जो रैशेज है उसको भी फाइट करता है, उसको लाइक क्योर करता है। एंड साथ ही साथ इसमें जो ग्लिसरीन सोप बेस था, तो ग्लिसरीन आपके स्किन को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनाता है। सो गाइज, ये जो सोप है ये मार्केट में मौजूद किसी भी सोप को कड़ी टक्कर दे सकता है। सो गाइज, आप भी इसको घर पे बनाने का ट्राई जरूर करना, क्योंकि आपको सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। सो गाइज, आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो पता है ना क्या करना है, मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड वो नोटिफिकेशन बेल जो है उसको जरूर दबा देना। एंड इस वीडियो को ढेर सारे प्यार भरे लाइक्स देना एंड अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना। तो मिलूंगी मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।